हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि लॉन्ग सोफ़े कवर किस तरह से यूज़ करते हैं। जो बड़े वाले सोफ़े कवर होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उसका यूज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए रखा। अब मैं इसे उठा दूँगी और इस तरह से मैंने चादर, एक जो पुराने बेडशीट होते हैं घर में पड़े हुए, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे लॉन्ग सोफ़े कवर का कवर है फ्रेंड्स, जो बहुत पुराने हो गए थे, तो अब मैं इसका यूज़ इस तरह से कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स इसी सोफ़ा कवर का, जो सिंगल सोफ़े कवर था, तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया था। और आज मैं आपको बड़े वाले सोफ़े कवर का यूज़ करके दिखा रही हूँ किस तरह से। और इस तरह से इस पे रख देना है। और ये देखिए, मैं इस पे सिलाई चलाऊंगी। आप भी इसे सेंटर पे रख करके इसे सिलाई लगा सकते हैं, अगर आपके पास भी पुराने सोफ़े कवर पड़े हैं तो। ये देखिए, मैं इसे बड़े वाले नीडल्स और ऊन की मदद से सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, बट ये थोड़े मोटे कपड़े हैं तो मैंने इसे इस तरह से सिलाई लगाया है। अब हमें ऐसे पूरे सेंटर पे सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई इसे लगा दिया है पूरे अच्छे से। और अब मैं इसे इसके नीचे एक बेडशीट लगा रही हूँ जो काफ़ी पुराने हो गए थे, फिर मैंने इसका भी यूज़ किया है इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने बेडशीट नीचे रख दिया है और इसके ऊपर कवर को रख दूंगी और इसके चारों साइड में सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से बैठा के हमें पूरे चारों तरफ अच्छे से सुई धागा की मदद से मैं इसे सिलाई कर दूंगी फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसे मैं ऐसे रखना है हमें, तो मैं इस साइड से इधर से इसे नीचे की और अच्छे से मैं चादर के साथ इसे अच्छे से बैठा दे रही हूँ। काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, तो इसे थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सिर्फ बैठाने में टाइम लगेंगे, सिलाई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ये फट से सिलाई हो जाएगी। सिर्फ इसे बराबर करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और अब ये देखिए, इस तरह से मैंने किनारों को पकड़ के अच्छे से इसमें हमें पूरे अच्छे से किनारों पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, और मैं आपका सिलाई लगा के दिखाऊंगी। इसमें इस तरह से सेंटर पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मैंने इधर ऐसे करके सिलाई लगा दिया है और बाकी सिलाई में इस तरह से सर्कल के डिज़ाइन जो इस साइड आ गए हैं, आगे के साइड हमें इसे रखना है और अच्छे से इसे सिलाई करके हमें किनारों, चादर के किनारों को कट करके निकाल देना है। इस तरह से हमें धीरे सिलाई लगा देनी है धीरे धीरे। और जो चादर के टुकड़े जो इधर से दिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमें इसे कट करके भी निकाल देना है। और ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे हमें पूरे सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दिया है और अब मैं इसे रख दे रही हूँ। और
चादर के जो दिखाई दे रहे हैं इस साइड से, जो चादर निकली हुई दिखाई दे रही है, मैं उसे कट कर रही हूँ बिल्कुल इसे सटा के। इस तरह से राउंड शेप में इसे कट कर देना है। और जो इस इधर उधर सिलाई जो धागे दिख रहे हैं, ये देखिए, उसे हमें अच्छे से कट करके निकाल देना है। अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ मैं इसे। और ये देखिए, आप चाहे तो इस सेंटर पे आप पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसे इसी तरह से छोड़ दिया है। और ये देखिए, मैं इसे धीरे धीरे कट कर रही हूँ। जो भी कपड़ा निकला हुआ है उसे कट कर देना है चारों तरफ से। और ये देखिए, किनारों पर भी मैं इसे अच्छे से इसके शेप का मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो सोफ़े कवर का दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे कारपेट बनाया फ्रेंड्स, जो बेड के नीचे मैंने इस तरह से रखा है। और ये देखिए, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। बस इसे दोनों सोफ़ा कवर जो ऊपर नीचे का होता है, उसे दोनों सोफ़ा कवर को मिला देना है और इसे बीच में सिलाई कर देनी है। और ये देखिए, कुछ तरह इस तरह से दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, चारों तरफ हमें सिलाई लगा दिया है। और जो चादर बचे हुए थे, दिख रहे थे, उसे मैंने कट करके निकाल दिया। और ये बहुत सुंदर ही कारपेट बन के रेडी हो गया है। अगर पसंद आए फ्रेंड्स मेरी वीडियो, तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।